धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। सुना है क्या आपने गाना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना? तो क्या हो रहा है इस गाने में? इस गाने में कोई धीरे धीरे से किसी को अपनी जिंदगी में बुला रहा है और कोई धीरे धीरे से किसी का दिल चुरा रहा है। आप रोज अपने इंग्लिश बोलते हुए, हिंदी बोलते हुए धीरे धीरे को यूज करते होंगे। आप कहते होंगे वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे आओ। तो कितनी बारी आप धीरे धीरे यूज करते हैं? इसी वर्ड को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लोली। जी हाँ, पर स्लोली कहने के और बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश में, और ये सारे तरीके हैं बहुत स्मार्ट तरीके। यानी आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं धीरे धीरे या स्लोली कहने के लिए कुछ स्मार्ट फ्रेजेस। जी, ये ऐसी फ्रेजेस हैं जो आपको झट से याद हो जाएंगी और इनको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश बोलते हुए यूज़ कर पाएंगे। इन्हें याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो आइए मेरे साथ सीखिए धीरे धीरे और स्लोली को इंग्लिश में बोलना। तो हमारी आज की पहली फ्रेज है एट अ स्लो पेस। जी, एट अ स्लो पेस एक तरीका है धीरे धीरे कहने का। जी, स्लो पेस का मतलब होता है धीमी गति से। ओके, धीमी गति से। पेस का मतलब होता है गति। जी, तो अगर किसी के पैर में चोट लगी है तो उसके बाद डॉक्टर उन्हें कहेंगे तुम्हें धीमी गति से चलना चाहिए, यू शुड वॉक एट अ स्लो पेस। जी, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे धीमी गति से या स्लो पेस को। अब इसको यूज़ करने का एक और तरीका है। आप कहेंगे कि वो दोनों धीमी गति से काम कर रहे थे ताकि उनसे कोई गलती ना हो जाए। दे वर वर्किंग एट अ स्लो पेस सो दे डोंट मेक अ मिस्टेक। जी, तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे स्लो पेस, जिसका मतलब है धीमी गति से। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है विदाउट हरिंग। जी, हरी का मतलब होता है जल्दी और विदाउट का मतलब होता है बिना। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। बिना जल्दी, क्या हम कह सकते हैं कि विदाउट हरिंग का मतलब होता है बिना किसी जल्दी के? जी, बिना किसी जल्दी के। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे पूछा अरे रमेश कहाँ है, और आप कहेंगे हाँ वो तो गली में आराम से चल रहा है, या फिर वो तो गली में बिना किसी जल्दी के चल रहा है, मतलब मस्ती से आराम से आ रहा है। जी, तो इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं वेयर इज रमेश, ही इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट विदाउट हरिंग, मतलब वो बिना किसी जल्दी के आराम से गली में घूम रहा है। जी, तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे विदाउट हरिंग जब कोई व्यक्ति आराम से घूम रहा है। ओके, हमारी नेक्स्ट फ्रेज है अनहरिडली। जी, अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इसमें भी हरी है और इसमें भी हरी है, पर यहाँ पर अन है और यहाँ पर विदाउट है, तो इन दोनों फ्रेजेस का मतलब अलग है। अनहरिडली का मतलब होता है सुस्ती से। जी, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अनहरिडली का मतलब होता है सुस्ती से। तो इसको इंग्लिश में आप कुछ ऐसे यूज करेंगे, वह सुबह सुस्ती से उठती है। शी वेक्स अप अनहरिडली इन द मॉर्निंग, यानी उसको कोई अर्जेंसी नहीं होती, शायद उन्हें जॉब पर नहीं जाना होता, या फिर वो बहुत आलसी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत आलसी है और वो बहुत सुस्ती दिखाते हैं, आप कहेंगे शी ऑलवेज वेक्स अप अनहरिडली, मतलब वो बहुत सुस्ती से सुबह उठती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टेडिली। जी, स्टेडिली का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, वहाँ पर आपने सुना होगा कि शेयर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब शेयर्स आर इंक्रीजिंग स्टेडिली। इसका मतलब है कि वो एकदम ऊपर नहीं जा रहे हैं या एकदम नीचे नहीं आ रहे हैं, वे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ आप देखेंगे उसमें आप कुछ ऐसे देखेंगे जो धीरे से ऊपर जा रहा है, ना कि जो ऐसे ऊपर चला गया। तो ये डिफरेंस है स्टेडिली में
और जब कोई चीज़ बहुत जल्दी होती है. अब हम अपना नेक्स्ट फ्रेज देखेंगे, वो है लेजरली पेस. ओके, तो फिर से हमारे पास ये वर्ड आता है पेस. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेस का मतलब होता है गति और लेजरली का मतलब होता है आराम. तो लेजरली और पेस को जब हम साथ में मिलाएंगे, इसका मतलब होता है आराम की गति से, आराम की गति से. तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो सोचिए कि अगर कोई लड़की, चलिए सोचिए उसका नाम मोनिका है, उसको घर जाने की कोई जल्दी नहीं है और वो आराम की गति से चल के घर जा रही है या आराम से चल के घर जा रही है, तब हम यूज़ करेंगे लेजरली पेस. मोनिका को घर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है, वह आराम से घर जा रही है. मोनिका इज़ इन नो हरी टू गेट होम, शी इज़ वॉकिंग एट अ लेजरली पेस, यानी आराम की गति से. नेक्स्ट फ्रेज है स्नेल पेस. जी, स्नेल पेस को हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के बोलेंगे, जो कि बन जाएगा स्नेल पेस, मतलब एक केंचुए की गति से. तो स्नेल केंचुए से मिलता जुलता एक छोटा सा कीड़ा होता है, केंचुए की गति से. यहाँ पर भी हमने पेस यूज़ किया जिसका मतलब होता है गति. अब केंचुए को तो आपने देखा ही होगा, वो कैसे धीरे धीरे से आगे बढ़ता है. जी, तो जब कोई व्यक्ति बहुत धीरे गाड़ी चला रहा है तो आप कह सकते हैं, अरे मेरी दादी केंचुए की गति से गाड़ी चलाती है, माई ग्रैंड मदर ड्राइव्स एट अ स्नेल पेस. या फिर आप कह सकते हैं माई ग्रैंड मदर वॉक्स एट अ स्नेल पेस, मतलब वो इतनी धीरे धीरे चलती हैं. ये आप तब यूज़ करेंगे जब कोई बहुत धीरे कोई काम कर रहा हो. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, वो है स्लोली बट श्योरली. ठीक है, तो स्लोली का मतलब तो हमें पता ही है, धीरे धीरे, और श्योरली का मतलब होता है ज़रूर. तो जब कोई धीरे धीरे, जब कोई चीज़ धीरे धीरे हो रही है पर ज़रूर होगी, तब आप कहेंगे श्योरली, स्लोली बट श्योरली. श्योरली का मतलब होता है ज़रूर. तो आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं? आप कहेंगे मैं इंग्लिश धीरे धीरे सीख रहा हूँ पर ज़रूर सीख जाऊँगा. इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल लर्न इंग्लिश स्लोली बट श्योरली, मतलब मैं धीरे धीरे इंग्लिश सीख ही जाऊँगा. और अगर आपको किसी को कोई मशवरा देना है तो आप कहेंगे तुम अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर सफलता पाओगे. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल स्लोली बट श्योरली, चाहे आराम से पर ज़रूर सफलता पाओगे. ग्रेट, नेक्स्ट फ्रेज है हमारी ग्रेजुअली. जी, ग्रेजुअली स्लोली का एक सिनोनिम है, जिसका मतलब है कि स्लोली की जगह आप ग्रेजुअली को यूज़ कर पाएंगे. तो ग्रेजुअली का एग्जैक्ट मतलब स्लोली होता है, यानी धीरे धीरे. तो ग्रेजुअली को हम कुछ ऐसे यूज़ करेंगे, धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है, ग्रेजुअली इट्स गेटिंग कोल्ड. जी, आई होप अब आप समझ गए हो कि आप ग्रेजुअली को कैसे यूज़ करेंगे. हमारी अगली फ्रेज है बिट बाय बिट. जी, बिट का मतलब है यहाँ पे थोड़ा. तो बिट बाय बिट का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके. बिट बाय बिट और लिटिल बाय लिटिल का मतलब सेम होता है, इन दोनों का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके. तो यहाँ पर भी आप अपने इंग्लिश सीखने के एक्सपीरियंस के लिए इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. आप कह सकते हैं मैं इंग्लिश थोड़ी थोड़ी करके सीख जाऊँगा, आई विल लर्न इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल, या फिर आई विल लर्न इंग्लिश बिट बाय बिट, थोड़ी थोड़ी करके, जैसे आप आज सीख रहे हैं. और हमारी आज की लास्ट फ्रेज है स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर. ओके, स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है एक एक करके. स्टेप बाय स्टेप को आप तब यूज करेंगे जब कोई व्यक्ति आपको एक एक करके कोई प्लान समझा रहा हो. जैसे कि कोई आपको कहे मैं तुम्हें एक एक करके ये प्लान समझाता हूँ, I will explain this plan to you step by step. यानी पहले एक चीज़, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़. जी,
तो इस तरीके से आप बोलेंगे धीरे धीरे को इन सब स्मार्ट फ्रेजेस को यूज़ करके। तो आई होप अब आप धीरे धीरे बोलना बंद करके और स्लोली बोलना बंद करके इन सब फ्रेजेस को यूज़ करेंगे। जाइए और अब गाना सुनिए, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस लेसन में। मैं वापस आऊँगी एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश। बाय बाय।